डियर स्टूडेंट स्टूडेंट आज की वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे किंगडम मोनेरा के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो किंगडम मोनेरा को स्टूडेंट मेनली टू ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एक है आर्किबैक्टीरिया और सेकेंड है यूबैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया मीन्स प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी इसको बोलते हैं, प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो आर्किबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो सबसे पहले जब अर्थ का ओरिजिन हुआ तो अर्थ पर ये बैक्टीरिया ही पहले ओरिजिनेट हुए। उस समय जो अर्थ का एनवायरनमेंट था वो अनफेवरेबल था, जैसे साल्टी एरिया था। तो कुछ बैक्टीरिया आर्किबैक्टीरिया ऐसे थे जो साल्टी एरिया में ग्रो करते थे उस समय के, तो ऐसे आर्किबैक्टीरिया को हम हेलोफाइल्स कह देते हैं। जो स्प्रिंग वगैरह थे उस समय बहुत हॉट थे क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। तो उस समय जो आर्किबैक्टीरिया थे जो उस हॉट स्प्रिंग में रहते थे उनको हमने क्या कह दिया, थर्मो एसिडो फाइल्स कह दिया। और मार्सी एरिया जो पाई जाती थी, दलदल टाइप की जो एरिया थी अर्थ इन्वायरमेंट पे, उस जगह पे पाए जाने वाले आर्किबैक्टीरिया को हमने क्या कह दिया, मिथेनोजेंस कह दिया। जैसे जैसे टाइम पासेज हुआ ये आर्किबैक्टीरिया के बाद एक दूसरा बैक्टीरिया जो है कि मॉडिफिकेशन होकर टाइम के साथ डेवलप हुआ, जिसे हम बोलते हैं यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया थे जो अपना फूड खुद बना लेते थे, तो उनको हम कह देते थे ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में कुछ जो है लाइट एनर्जी को यूज करके अपना फूड बनाते थे, जैसे कि फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, और एग्जांपल में इसमें साइनोबैक्टीरिया है। और कुछ जो है वो केमिकल एनर्जी को ऑक्सीडाइज करके अपना फूड बनाते थे, तो उन्हें बोलते थे कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, एग्जांपल है सल्फर बैक्टीरिया इसके। तो हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, और वो भी किसके आधार पे, तो मॉर्फोलॉजी के आधार पे। आर्किबैक्टीरिया को नहीं, लेकिन ट्रू यानी यू बैक्टीरिया को मॉर्फोलॉजी और फ्लैजेला के आधार पे क्लासिफाइड किया गया है। तो पहले हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी के आधार पे यू बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, और फिर हम जानेंगे फ्लैजेला के आधार पर यू बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। तो मॉर्फोलॉजी के आधार पर यू बैक्टीरिया को मुख्य रूप से जो है सिक्स मेजर ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है डियर स्टूडेंट वो है कोकी। अब कोकी क्या है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो स्फेरिकल या ओवल होते हैं उनका शेप, ऐसे बैक्टीरिया को कोकी कहते हैं। अगर ये कोकी सिंगल पाया जाए तो उसे बोलते हैं मोनोकोकी, जैसे मोनोकोकस स्पेसीज है। अगर ये कोकी पेयर में पाए जाए यानी दो पाए जाए तो उसे बोलेंगे डिप्लोकोकी, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अगर ये कोकी ग्रेप्स लाइक मतलब क्लस्टर में पाए जाए, जैसे कि ग्रेप्स के पाए जाते हैं उस तरह से, इसे बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस कोकी, स्टेफाइलोकोकी, जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एक एग्जांपल है। अगर चैन में पाए जाए तो इसे स्टेप्टोकोकस बोलते हैं, जैसे स्टेप्टोकोकस पायोजींस। अगर ये चार के ग्रुप में पाए जाए तो इसे टेट्राइड्स कहते हैं, जैसे माइक्रोकोकस स्पेसीज। और अगर ये एट के ग्रुप में पाए जाए तो इसे सॉर्सिनी कहते हैं। कि
तो ये कोकस। अब देखिए कुछ ऐसे शेप के आधार पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट, जैसे कि अगर कोकस सिंगल है तो कोकस बोलेंगे, अगर दो है तो डिप्लोकोकस, अगर दो से ज़्यादा है तो स्टेफाइलोकोकस, अगर चैन में है तो स्टेप्टोकोकस, अगर चार कोकस सात पाए पाए जाते हैं तो सार्सिनी, और अगर एट पाए जाते हैं तो सार्सिनी, और चार पाए जाएंगे तो टेट्राहेड कहते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया का अंदर बेसिस हिसाब से, और वो भी मुख्य रूप से स्फेरिकल। इसके अलावा जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं डियर स्टूडेंट, तो वो उनका सिर्फ रॉड सेप्ट होता है, तो रॉड सेप्ट बैक्टीरिया को हम बैसिलस बोलते हैं या बैसिली कहते हैं। अगर एक होगा तो कोकस बैसिली, अगर मान लीजिए बैसिलस हो गया, अगर दो है तो डिप्लोबैसिली, बहुत ज़्यादा होगा तो स्टेप्टोबैसिली, अगर उसी तरह पॉलीबैसिली। तो ये सेप के आधार पर बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन है। उसी तरह अदर भी सेप होते हैं, जैसे वाइब्रियो कोमा सेप्ड बैक्टीरिया, ये सब अलग अलग बैक्टीरिया का सेप के आधार पर क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा बैक्टीरिया का डियर स्टूडेंट क्लासिफिकेशन है इसके आधार पे, तो फ्लेजेला के आधार पे। तो सेप के आधार पे हमने देखा कि कोकस, डिप्लोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, टेट्राकोकस, सार्सिनी, स्टेप्टोकोकस, ये सब सेप के आधार पे हैं, बैसिलोकोकस, डिप्लोकोकस, स्पिरिलम और वाइब्रिलम। यानी अगर मुख्य रूप से देखें तो सेप के आधार पर बैक्टीरिया कितने टाइप की होती है, चार टाइप की होती है। कौन? एक तो कोकस, और दूसरा जो है वो है बैसिलस हो गया, दूसरा बैसिलस, थर्ड जो है वो हो गया वाइब्रियो, और फोर्थ हो गया स्पिरिलम। अब उसके टाइप, अब मान लीजिए कोकस में है डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, अलग अलग है, लेकिन मुख्य रूप से सेप के आधार पर चार बैक्टीरिया होती हैं, कोकस, बैसिलस, वाइब्रियो और स्पिरिलम, चार टाइप की होती हैं। अब उसके सब टाइप हैं, जैसे कोकस के सब टाइप से हैं, बैसिलस के सब टाइप से, वो अलग बात है। अब फ्लेजेला के आधार पर अगर बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देखें तो फ्लेजेला के आधार पर बैक्टीरिया होती है मोनोटाइकस। अगर फ्लेजेला बैक्टीरिया के एक इंड पर और सिंगल पाए जाए तो उसे बोलते हैं मोनोट्राइकस। अगर बैक्टीरिया में फ्लेजेला एक इंड पर लेकिन गुच्छे में पाया जाए तो उसे हम बोलते हैं लोफोट्राइकस। अगर फ्लेजेला बैक्टीरिया के दोनों सिरों पर गुच्छे में पाया जाए तो उसे बोलते हैं हम क्या, एम्फीट्राइकस। और अगर फ्लेजेला बैक्टीरिया के सरफेस पर अगर फ्लेजेला ही ना पाया जाए ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं एट्राइकस। तो फ्लेजेला के आधार पर बैक्टीरिया कितनी टाइप हो गई, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस और एट्राइकस। तो आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया देखा, तो कल हम बताएंगे आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिफरेंसेस। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो आधारित PDF मटेरियल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ऐप पर नारायण बायोलॉजी क्लासेस बाय एस एन शर्मा फायर क्लास 11 सर्च करें और PDF प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।